हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम नैन्सी है और मैं एक क्यूट लिटिल 5 मंथ्स बेबी गर्ल की मॉम हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी मॉम्स को अगर ये पहले से पता रहता तो कितना अच्छा होता। इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में भी आपके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हो या हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके लिए एज अ सरप्राइज भी आए। सो स्टे ट्यून्ड। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और बेबी केयर रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स या डराने वाले कमेंट्स को अपने मन में बैठने नहीं देना है। अक्सर हमारे प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में लोगों के बहुत सारे एडवाइसेस और कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अपने आज़ादी के लास्ट फ्यू डेज़ को एंजॉय कर लो, लास्ट फ्यू डेज़ चैन की नींद ले लो, इसके बाद सोने को नहीं मिलेगा, ये लास्ट फ्यू डेज़ है, अपने पार्टनर के साथ जितना घूमना फिरना है घूम लो क्योंकि बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइज, मेरा यही सजेशन रहेगा कि ये एक फेज़ है और ऑब्वियसली आपकी थोड़ी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होंगे या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कम टाइम मिलेगा बात करने के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये जस्ट एक फेज़ है जो कि निकल जाता है। मैं ये कहूँगी कि आपको हर सिचुएशन को अगर हैंडल करना आ गया सही से तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे बच्चे को ABCD कितना डिफ़िकल्ट लगता है, बट वंस वो उस फेज़ में आता है, वो सीखता है, उसके बाद उसके लिए वो कितना ईजी हो जाता है। उसी तरह प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद स्पेशली आपको वो जो फेज़ आता है न्यूबॉर्न वाला, जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी देर में जाग के बेबी को फीड करवाना होता है या फिर जो भी डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है, ये सारा कुछ एक फेज़ है जो कि निकल जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस जर्नी में एंटर करो, तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा और आप उस मोमेंट को इन्जॉय कर पाओगे और लाइफ टाइम वो एक हैप्पी मेमोरी की तरह आपके दिमाग में रहेगा। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है कि बेबी होने से पहले बेबीज़ के लिए हमें शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये उसके लिए अपशगुन माना जाता है। तो गाइज, इसके पीछे का लॉजिक ये होता था कि पहले एक ही शहर या एक ही गांव में हमारे सारे रिलेटिव्स रहते थे, तो कभी उसके यहाँ बच्चा है, कभी उसके यहाँ बच्चा हुआ है, तो ऐसे में उनके बहुत सारे ऑप्शंस होते थे शेयर करने के लिए और कुछ भी सामान लेना या कुछ भी करना बहुत इजी रहता था। आज के डेट में बहुत सारे लोग, हमारी फैमिलीज़ कुछ इस सिटी में है, कुछ उस सिटी में सेटल्ड रहते हैं, एक जगह नहीं होते, तो शेयरिंग सामान लेना और इमीडिएट क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सारा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत इजी नहीं रहता। इसका सेकंड पॉइंट ये भी है कि आजकल हम काफ़ी शौकीन होते हैं, हमें लगता है कि हमारा बेबी हो रहा है, हम उसे ऐसे पहनाएं, ये चीज़ें उसके लिए लाएं, तो हो सकता है कि वो आपके रिलेटिव के बेबी से थोड़ा डिफर करे। तो ऐसे में आपको यही लगता है कि नहीं, मैं पहले से सारा कुछ प्लान आउट करूं कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या एज अ डेकोरेशन, जैसे कि हम फोटोज़ और वीडियोस अपने मेमोरीज़ के लिए लेते हैं तो उसके लिए क्या जाएगा हमारे थीम के अकॉर्डिंग, तो ये सारा कुछ है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम बेबी होने से पहले सारा कुछ प्लान करें और शॉपिंग करके पहले से रख लें, क्योंकि आपको भी पता है कि डिलीवरी होने के बाद हमारी हालत नहीं रहती है कि हम जाकर शॉपिंग करें या फिर वीडियो कॉल पे बताएं कि ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसे करके। तो पहले से शॉपिंग करना इज़ अ माइंडफुल एंड इंटेलिजेंट थिंग टू डू। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को बस अंधविश्वास के चलते वेस्ट ना करें। मेरा अगला पॉइंट बेबी के कपड़े से ही रिलेटेड है। मैंने अपने बेबी के लिए काफ़ी अलग अलग टाइप के कपड़े खरीदे थे, लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये रियलाइज़ हुआ कि जो ऊपर से पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बेबी के लिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न स्टेज में बेबी का सिर काफ़ी डेलिकेट होता है और जब हम
कपड़े ऊपर से पहनाते हैं या उसे खोलते हैं तो उसमें हमें भी काफ़ी डर लगता है और बेबीज भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि बेबीज के लिए वंजीज बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेबी के कपड़े काफ़ी बार चेंज करना होता है, खोलना होता है फॉर डायपर चेंज या फिर ऑयल मसाज या फिर बेबी ने कुछ स्पिट आउट किया हो तो ऐसे केसेस में वंजीज स्पेशली जिसमें जिप लगे होते हैं वो काफ़ी आपके लाइफ को ईजी बना देते हैं। इसके अलावा काफ़ी वंजीज में वो फुटीज भी होते हैं, वो सॉक्स जैसा वो उसमें अटैच होता है, तो ये तो बेबीज़ के लिए बेस्ट होता है क्योंकि स्टार्टिंग में आई डोंट नो व्हाई बट बेबीज़ के पैरों पे सॉक्स टिकते ही नहीं है, वो बार बार निकल जाते हैं, या तो आप बार बार उसे पहनाते रहो या फिर कई बार वो खो भी जाते हैं तो उसे ढूंढते रहो। तो मुझे लगता है वंजीज़ विद फुटीज़ जो होते हैं वो बेबीज़ के लिए बेस्ट होते हैं और आपकी लाइफ को सीरियसली बहुत आसान बना देते हैं। तो गाइज़ मेरा अगला पॉइंट ये है कि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो। जैसे कि अगर आपने लंच किया हो और तुरंत ब्रेस्ट फीड करवाते हो अपनी बेबी को तो उसके तुरंत बाद आपको फिर से खाने की इच्छा होगी, आपको भूख लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस फेज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो। मुझे ये तो पता था कि प्रेगनेंसी के दौरान भूख लगती है बट मुझे ये नहीं पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर केयर टेकर हो आपके पास और उनको सारे हेल्दी स्नैक्स पता हो जो आपको देना हो, जो आपको पसंद हो, जैसे कि आप फ्रूट्स ले सकते हो, हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हो और भी ऐसी हेल्दी स्नैक्स जो घर पे बना हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो इसके लिए पहले से अगर आपने प्लानिंग की हुई है, अगर आपको ये पहले से पता है तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी के बारे सोचते हो, आपको अपने लिए इतना कुछ प्लान करने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरा अगला पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा यूट्रस रहता है उससे हमारा प्लेसेंटा अटैच रहता है, तो जब हमारी डिलीवरी होती है, बेबी बाहर आता है, उसके बाद हमारा प्लेसेंटा बाहर आता है, तो आप इसे एक इंटरनल वूंड या इंटरनल घाव की तरह समझ सकते हो जिसे हील होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो या तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सिजेरियन हुआ है तो आपको स्टिचेस आते हैं, तो इन स्टिचेस के साथ साथ आपका इंटरनल वूंड भी हीलिंग प्रोसेस में रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई ऐसा केयर टेकर हो जो कि आपके पार्टनर के अलावा हो और जिसे आप बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी हो गई हो या फिर आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो या इस टाइप से, क्योंकि अगर कोई आपका बेबी का ध्यान रखता है, आपका ध्यान रखता है, तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग टाइम है, जो रिकवरी फेज़ है वो बहुत जल्दी पार हो जाता है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपको पहले से पता हो तो आप अकॉर्डिंगली वेल प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये पता था कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि डिलीवरी के बाद भी हमारे बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी इसे अलग अलग वे में रिएक्ट करती है। जैसे कि मेरे डिलीवरी के बाद मेरे स्टमक और मेरे थाइज एरिया में काफ़ी दाने आ गए थे और ये अराउंड 3 मंथ्स तक रहा था, तो मेरे दिमाग में अलग अलग टाइप के थॉट्स आते थे कि क्या किसी फूड से मुझे एलर्जी हो रही है या फिर जो मैं ऑयल मसाज ले रही हूँ उस ऑयल से मुझे एलर्जी हो रही है, और ऐसे अलग अलग टाइप के थॉट्स आते थे। मेरे घर वालों का ये कहना था कि डिलीवरी के बाद हमें ब्लड प्योरिफिकेशन सिरप्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो पीना चाहिए, इससे हमारा पूरा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और ये दाने और ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। पर जब मैंने ये अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और आपको इन एक्स्ट्रा सिरप्स और ब्लड प्योरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये सारा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है जो कि विद टाइम ठीक हो जाएगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये 3 महीने के बाद अपने आप ये ठीक हो गया।
हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी ओडर चेंज हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है डिलीवरी के बाद, स्पेशली आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तब, आपका बहुत हेयर फॉल होने लगता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका खाना पीना वो सभी सही हो, और ताकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका आईसाइट भी इम्पैक्ट होता है। दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि ये डिलीवरी के कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे आई चेकअप की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब मैं एक डॉक्टर के पास गई, अपना आई चेकअप करवाया, तब मुझे ये पता लगा कि जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं डिलीवरी के बाद, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे हमारा आईसाइट भी इम्पैक्ट होता है। तो दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। तो गाइज, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिलीवरी के बाद, स्पेशली अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी होती है, तो आपके पेल्विक मसल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं, और इसके कारण आपको थोड़ी बहुत यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी होती है। आई वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, और इसलिए मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी पेल्विक मसल्स एक्सरसाइजेस किए थे, बट इसके बाद भी मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था कि मुझे थोड़ी बहुत यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम रही। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्पेशली आगे की तरफ झुकती हूँ या फिर मेरे पेट पे जोर पड़ता है, तो मेरे पेल्विक मसल्स जैसे पहले काम करते थे वैसे अब काम नहीं करते, उनमें डिलीवरी के बाद उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही। बट मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात किया और उसके बाद मुझे ये पता लगा कि हमें पेल्विक मसल्स एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करना है, और धीरे धीरे विथ टाइम ये ठीक हो जाता है। तो गाइज, मेरा अगला पॉइंट ये है कि मदरहुड अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर आपने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि डिलीवरी के इतने दिनों बाद मैं अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी या फिर मैं अपना बिजनेस रिज्यूम कर लूँगी, तो लेट मी टेल यू गाइज, पहले 5-6 महीने आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो वो फ्रीक्वेंट फीडिंग में ही जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको अपने बेबी को हर 2-2 घंटे में फीड करवाना होता है, तो उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ और काम कर सकें। उसके बाद आप धीरे धीरे बेबी के पैटर्न्स को समझते हो, उसके स्लीप पैटर्न को, उसके जो भी सुसु पॉटी का जो पैटर्न है उसे समझते हो, फिर उसका मतलब अलग अलग माइलस्टोन आता है, जैसे कि रोल ओवर है, उसे कुछ कुछ सिखाना होता है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और आई थिंक एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स तो कुछ भी और करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, आपका माइंडसेट वैसा हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला पॉइंट ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपको पैरों को खोल कर नहीं बैठना है, अगर आप पालथी मारकर बैठते हो तो इससे आपके स्टिचेस पे काफ़ी जोर पड़ता है, और वो जो हीलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही आपके दिमाग में हो कि मेरे को ऐसे पोजिशंस में नहीं बैठना है डिलीवरी के बाद। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद मेरे हॉस्पिटल वालों ने ये बताया था कि मुझे पैरों को खोल कर नहीं बैठना है, पालथी मारकर नहीं बैठना है, बट सिंस आई वॉज वेरी यूज टू इट, मैं बार बार वो गलती कर दे रही थी। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट इस वीडियो का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके मन में ये पहले से बैठ जाए कि मुझे डिलीवरी के बाद पालथी मार कर नहीं बैठना है, पैरों को खोल कर नहीं बैठना है, ताकि मेरे स्टिचेस का जो वो हीलिंग टाइम है वो कम से कम हो, और मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊँ। स्टिचेस से मुझे एक बात और याद आई जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे हमारे स्टिचेस हील होते हैं, उस एरिया में ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है, इस कारण हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। मुझे ये अराउंड मेरे डिलीवरी के 6th-7th day के अराउंड ये बहुत ज़्यादा फील होता था, और मैं थोड़ी सी डर गई थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया अगर मैं पालथी मार के बैठ जाती हूँ, या कोई फीडिंग पोजीशन ऐसे हो गया जिसके कारण मेरे स्टिचेस पे इफेक्ट आया। बट गाइज, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वो ड्राइनेस के कारण वहाँ पे खिंचाव होता है और पेन होता है, और इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये 2-3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप एज अ रेमेडी ये कर सकते हो कि जब भी आप वॉशरूम जाते हो उसके बाद गुनगुने पानी से उस एरिया को आप वॉश कर सकते हो थोड़ी देर, ताकि वहाँ पर थोड़ी सी
उसकी नमी इंक्रीज़ हो, और उसके बाद लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस एरिया को ड्राई पैट करना है, उसे गीला नहीं छोड़ना है, ताकि आपके स्टिचेस में इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। तो गाइज मेरे अगले कुछ पॉइंट्स फीडिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी फीडिंग पोजीशन के बारे में। तो जनरली आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फीडिंग पिलोज बनाती है, और अलग अलग टाइप की फीडिंग पिलोज अवेलेबल है मार्केट में, जो कि काफ़ी वुमेन प्रेफर कर रही है आज के ज़माने में यूज़ करने में। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो पोस्चर रहता है वो एकदम प्रॉपर रहता है, आपको बैकएक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप सही पोस्चर में बैठकर फीडिंग करवा रहे हैं अपने बेबी को। बस आपको उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बेबी को सीधा लिटाकर उस पिलो में फीड करवा रहे हैं, तो आप एवरी 10-12 मिनट्स में बेबी को उठाकर बर्प करवाएं और उसके बाद फिर से फीड करवाएं। फिर अगर 10-12 मिनट्स हो गया तो फिर उठाकर बेबी को बर्प कराएं और फिर फीडिंग कंटिन्यू करें। तो ऐसे करने से बेबी को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक लंबा फीड करवाएं बेबी को, लाइक 25 मिनट्स या 30 मिनट्स करवाकर एक ही बार लास्ट में बर्प करवाते हैं, तो उस केस में बेबी को गैस की प्रॉब्लम होती है, बर्प लेने में दिक्कत आती है, और कई बार बर्प के साथ साथ बेबी वॉमिट भी कर देते हैं। मेरे केस में मैं बेबी को अपने ऑफिस चेयर में बैठकर फीड करवाना प्रेफर करती थी। इससे जो हैंड रेस्ट होता है मैं उसे ऐसा एडजस्ट करती थी कि मेरा बेबी स्लैंटिंग पोजीशन में हो। इससे ये होता है फ़ायदा कि उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जैसे जैसे वो फीड लेता जाता है तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है। और मेरी बेबी कई बार फीडिंग के दौरान भी खुद से ही बर्प ले लेती थी, तो मुझे उसे अलग से बर्प करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो मेरा एडिशनल टास्क वो बच जाता था। फीडिंग से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट ये है कि फीडिंग के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही पोस्चर मेंटेन करो। अगर आप सही पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो इससे आपको सीवियर बैक पेन के इश्यूज हो सकते हैं, और इसके कारण आपके लैक्टेशन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि फीडिंग के बाद आप कुछ नेक एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि राइट देखें, लेफ्ट देखें, ऐसे ऐसे ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। इससे आपके नेक मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। आप कुछ चेस्ट मूवमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि आप हाथ को ऐसे लेकर आप चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये अगर आप 5-7 टाइम्स रिपीट करते हो तो इससे भी आपके मसल्स काफ़ी रिलैक्स होते हैं। अगर उस टाइम पे आपके पार्टनर अवेलेबल है, फ्री है, तो आप उन्हें हल्का सा यहाँ इस एरिया पे मसाज देने को कह सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा और आपका वो जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला प्रोसेस है, जो फेज़ है, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मेरा अगला पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क सप्लाई से रिलेटेड। तो मेरे डिस्चार्ज के टाइम पे मेरे लैक्टेशन डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि हेल्दी खाना तो एक चीज़ है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही क्वांटिटी में वाटर इनटेक करो। इससे आपका लैक्टेशन कभी इफ़ेक्ट नहीं होगा। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मैं एवरी फीडिंग सेशन के टाइम पे एक बॉटल पानी लेकर बैठूं और ट्राई करूं कि 85-90% उसे ज़रूर पी लूं, तो इससे मेरा लैक्टेशन इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया एंड टच वुड मुझे अभी तक लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं दिन में बहुत सारा पानी पी जाती हूँ। एवरी फीडिंग सेशन में मैं ऑलमोस्ट एक बॉटल पानी पी जाती हूँ, जो 1 लीटर वाला होता है, तो इससे मैं वेल हाइड्रेटेड रहती हूँ और मेरा मिल्क सप्लाई काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है ब्रेस्ट लीकेज से रिलेटेड। तो गाइज यूजुअली हमें पता होता है कि डिलीवरी के बाद हमें ब्रेस्ट लीकेज की प्रॉब्लम होती है, बट मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ये इतनी ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट लीकेज ऑलमोस्ट पूरे दिन, पूरी रात होती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट जब आप बेबी को एक तरफ से फीड करवा रहे होते हो तो स्टिम्युलेशन के कारण आपके अदर साइड से ब्रेस्ट लीकेज की, मिल्क लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। तो अगर ये पहले से मुझे पता रहता तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा होता, मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहती। तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मैंने अपने लिए मिमी ब्रांड के रीयूजेबल वाले ब्रेस्ट पैड्स लिए थे एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये जो ब्रेस्ट लीकेज और फीडिंग वाला जो पूरा सेशन है ये एक दो दिनों की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबे तक ये फेस चलता है। तो जो यूज़ एंड थ्रो वाले ब्रेस्ट पैड्स हैं वो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि गाइस ये हमारे प्लैनेट अर्थ पे बहुत ही गंदा इम्पैक्ट होता है इसका। तो अगर हम रीयूजेबल वाले पैड्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने तीन पेयर ऑफ रीयूजेबल पैड्स लिया है एंड आई थिंक वो सफिशेंट है। जैसे बाकी आपके कपड़े धुलते हैं वो भी धुल जाते हैं, और सपोज़ आपने एक पेयर आज यूज़ किया तो एक पैर धुल के आपके लिए कल के लिए रेडी हो जाता है, एक पैर स्टिल आपके पास पैर में रहता है कि इन केस बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, आपको चेंज करने का मन है तो आप फिर भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। गाइज हमें ये तो पता होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बट मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था कि डिलीवरी के बाद भी हमारी बॉडी में काफ़ी स्वेलिंग आती है, हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है। तो अगेन आप इसके रेमेडी के लिए अपने पैरों के नीचे पिलो रख कर सो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बॉडी का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो अपर बॉडी में अच्छे से आएगा और इससे स्वेलिंग काफ़ी कम होती है। अगर आप अपने पानी का इनटेक अच्छा रखते हैं तो इससे भी बॉडी के स्वेलिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है और वो स्वेलिंग जल्दी जल्दी कम हो जाती है। इसके अलावा मेरा ये सजेशन रहेगा कि डिलीवरी के बाद आपके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं जिनको बहुत मन करता है कि वो आकर आपकी बेबी से मिले, अगर आप पहले से उनका माइंडसेट कर दें कि आप थोड़ा सा रुक कर आएँ, विज़िट करें बेबी को, तो वो अच्छा रहेगा। बिकॉज आप शुरुआती दिनों में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो अपने बेबी कि फीडिंग को लेकर या बेबी केयर को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और डिलीवरी के बाद काफ़ी वीकनेस भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट लें, तो इससे आपके बॉडी की जो रिकवरी है वो भी बहुत अच्छे से होगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो इससे हमारा लैक्टेशन भी इम्पैक्ट होता है। तो अगर जो हमारे रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स है, वो अगर थोड़ा रुक कर विज़िट करें तो ये फेज़ वो भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे, बेबी भी इंजॉय करेगा और आप तो बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। आप ज़्यादा टायर्ड नहीं होगे, आपका लैक्टेशन इफेक्ट नहीं होगा और वो इंटायर प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये आपने सुना होगा एंड गाइस इट इज़ फॉर रियल। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को झेला है, उसे सफ़र किया है। और इसका एज अ रेमेडी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, और स्टिल अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको लो फील हो रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपने मॉम के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि जो कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद जीरा, अजवाइन, इन सब का पानी पीना चाहिए। तो इनसे आपका मिल्क सप्लाई अच्छा रहता है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। और कॉन्स्टिपेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है बिकॉज इससे आपके स्टिचेस पे जोर पड़ते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हाई फाइबर फूड खाएं, आप वाटर इनटेक अच्छा रखें। इसके लिए आप हर दिन पपाया भी खा सकते हैं, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज इसके साथ हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एंड आई होप कि आप वेल इन एडवांस अपने आप को प्रिपेयर कर सको, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अवेयर रहोगे आप उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हो और आपका जो पोस्ट डिलीवरी फेज़ होता है वो काफ़ी अच्छा जाए। एंड अगर आपको ये मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे और अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में कोई प्रेग्नेंट है या कोई न्यू मॉम्स है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सके और अपने इस फेज़ को काफ़ी इंजॉयबल बना सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।